फूड फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वेजिटेबल चाउमीन की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजीली हमारी किचन में बनकर हो जाएगी तैयार। बहुत ही अच्छी और बहुत ही चटपटी चाउमीन हमारी बाजार जैसी बनकर तैयार होगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं चाउमीन। चाउमीन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़े बर्तन में पानी को बॉईल करने के लिए रख दिया है। पानी हमारा बॉईल हो गया है, इसके अंदर हम डाल देंगे अपनी चाउमीन। यहाँ पर मैंने हक्का नूडल्स यूज करे हैं और यहाँ पर मैंने 150 ग्राम चाउमीन का यूज करा है। अब हम डाल देंगे इसके अंदर थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ऑयल और इसको बॉईल होने देंगे। यहाँ पर मैंने एक छोटी गाजर को बारीक और लंबा काट लिया है, एक छोटी शिमला मिर्च को बारीक लंबा काट लिया है, थोड़ी सी मैंने यहाँ पर पत्ता गोभी को बारीक काट लिया है, यहाँ पर मैंने एक प्याज को बारीक काट लिया है, एक चौथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर लिया है, आधा चम्मच नमक और दो पिंच अजीनोमोटो। यहाँ पर हमने एक बाउल ले लिया है, बाउल के अंदर हम डाल लेंगे पहले टमाटो केचप। एक टेबल स्पून मैंने यहाँ पे टमाटो केचप ली है। इसी के अंदर हम डाल देंगे सिरका, आधा टेबल स्पून मैंने यहाँ पर सिरका लिया है। और अब हम डालेंगे इसमें रेड चिली सॉस, एक चम्मच ग्रीन चिली सॉस और एक टेबल स्पून इसमें हम मिक्स कर देंगे सोया सॉस। एक टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे शेजवान सॉस और सभी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो चाउमीन बनाते वक्त अलग अलग भी डाल सकते हैं, इकट्ठे मिक्स करने के बाद हमें डालने में थोड़ी आसानी हो जाती है। 5 से 7 मिनट हो गए हैं, चाउमीन हमारी यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से उबल गई है। अब हम इसको छान लेंगे। चाउमीन को मैंने यहाँ पर अच्छी तरीके से छान लिया है और इसको एक बारी ठंडे पानी के नीचे धो लिया, जिससे कि हमारे आपस में चिपक ना जाए। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। हल्का हल्का हम बस मिक्स करेंगे, ठंडे पानी में भिगोने के बाद ये बिल्कुल भी आपकी नहीं चिपकेगी। तो चलिए फटाफट से चाउमीन को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़ी कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई के अंदर हम डाल लेंगे 2-3 टेबल स्पून ऑयल और ऑयल को हम गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज, शिमला मिर्च और गाजर और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, अब हम इसके अंदर डाल देंगे काली मिर्च पाउडर, नमक, अजीनोमोटो और जो हमने सॉस मिक्स करी थी उसकी आधी हम सॉस इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। इस तरीके से चलाते हुए इसको हम अच्छे से पकाएंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू फुल रखेंगे, जिससे कि हमारी सब्जियां अच्छी तरीके से पक जाए। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, सब्जियां हमारी फ्राई हो गई हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे अपनी पत्ता गोभी और इसको भी मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक फिर से पकाएंगे और गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम कर देंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, सब्जियां हमारी यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब हम इसके अंदर अपनी बाकी की सॉस भी डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और अब हम ऐड करेंगे इसमें अपनी उबली हुई चाउमीन और इसको भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। चाउमीन को मैंने यहाँ पर अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और बहुत ही चटपटी स्वादिष्ट चाउमीन हमारी यहाँ पर बनकर हो गई है तैयार। गैस को हम कर देंगे बंद। तो ये लीजिए, सर्व करने के लिए तैयार है हमारी यहाँ पे बहुत ही चटपटी बिल्कुल बाजार जैसी वेजिटेबल चाउमीन। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करें। थैंक यू।